श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दो टेस्ट मैचेस की सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले में जो कि गाले में खेला गया, वहां पर श्रीलंका ने जबरदस्त वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 39 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। और इसी के साथ जो टेस्ट सीरीज थी दो मैचेस की वो एक एक से बराबरी पर समाप्त हो गया। पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता था, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जबरदस्त बाउंस बैक किया है श्रीलंकाई टीम ने और एक पारी और 39 रनों से इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को लेवल करा दिया। यानी कि जो तीन फॉर्मेट का जो दौरा था ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंकाई दौरा, उसमें से T20 सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ODI सीरीज श्रीलंका ने जीता और उसके बाद अब जो टेस्ट सीरीज रहा वो ड्रॉ रहा। यानी कि दोनों ही टीमों ने शानदार खेल का परिचय दिया है। आपको बता दें कि जो दूसरा टेस्ट मैच खेला गया उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में स्मिथ के शतक और लाबुशेन के शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने कुल मिलाकर के बनाए थे 364 रन। स्मिथ ने लाबुशेन ने बनाए थे 104, स्मिथ ने बनाए थे 145। लेकिन जब बात श्रीलंकाई पारी की आई उन्होंने 554 रन बना लिए अपनी पहली पारी में, जहां पर कि कर्णरत्ने, कुशल मेंडिस ने 80s के रन में रन बनाए, कुशल मेंडिस के अलावा मैथ्यूज ने 52 बनाए थे। लेकिन सबसे बड़ी पारी खेली दिनेश चांडीमल ने, जिन्होंने 206 रन बना करके नाबाद रहे और उसके बाद कमिनू मेंडिस जो थे उन्होंने भी 61 बनाए और कुल मिलाकर के 554 रनों का बड़ा सा स्कोर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ में श्रीलंका ने खड़ा कर दिया। और जब बात आई बल्लेबाजी कर गेंदबाजी करने की तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ट्रेल ऑस्ट्रेलिया चुकी कर रहा था बहुत लंबे अंतर से, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उनकी जो दूसरी पारी है वो 151 रनों पर ही सिमट गई। कुल मिलाकर के 190 की बढ़त हासिल की थी श्रीलंका ने और 151 पर दूसरी पारी सिमट गई और पारी और 39 रनों से एक बड़ी जीत श्रीलंका ने हासिल कर ली। और इस जीत में सबसे बड़ा योगदान रहा दिनेश चांडीमल और उनके साथ ही साथ बल्लेबाजों के अलावा प्रभात जयसूर्या का। जी हाँ, आपने ये नाम पहली बार सुना होगा, बहुत ज्यादा अभी नया नाम है ये और बहुत ज्यादा पुराना नाम तो है नहीं, लेकिन पहली पारी में प्रभात जयसूर्या ने 6 विकेट निकाले थे, ऑस्ट्रेलियाई टीम का बंटाधार कर दिया पहली पारी में। और दूसरी पारी में फिर से 6 विकेट निकाले, यानी कि मैच में 12 विकेट प्रभात जयसूर्या ने निकाले और इसी वजह से प्रभात जयसूर्या अचानक से वर्ल्ड क्रिकेट में छाते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मजबूत बैटिंग लाइनअप के खिलाफ उन्होंने 12 विकेट निकाले हैं एक मैच में, 6 विकेट पहली पारी में, 6 विकेट दूसरी पारी में और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। और साथ ही बता दें कि दिनेश चांडीमल को मैन ऑफ द सीरीज यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से एक तरीके से गया है और यह दिखाता हुआ कि श्रीलंका की का जो क्रिकेट है वह तमाम विपरीत हालातों के बावजूद धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा और यह एशियन सबकॉन्टिनेंट के लिए बेहतर हालात पैदा कर रहा है। इससे पहले ODI उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया को और अब टेस्ट मैच को भी सीरीज को ड्रॉ कर लिया है। यह बहुत बड़ी सफलता श्रीलंका के लिए और हम उनको शुभकामना देना चाहेंगे आने वाले समय के लिए स्पोर्ट्स टॉक की तरफ से कि उनकी टीम और बेहतर खेले ताकि एशियन सबकॉन्टिनेंट में सिर्फ भारत पाकिस्तान का नाम ना हो, श्रीलंका जैसे पहले वर्चस्व उसका था वैसा ही होता हुआ कुछ नजर आए। आप क्या सोचते हैं श्रीलंका की इस शानदार जीत को लेकर, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।